हेलो एंड वेलकम असेंट अकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लेसन वन द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा पढ़ेंगे, जिसे मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह हर्षित व उत्तेजित है और वहाँ प्रदर्शित मिठाई और खिलौनों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उनको नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। जब कोई अन्य उनको उसे प्रस्तावित करता है, तब वह क्यों इनकार कर देता है? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity। संकरी सड़कों और गलियों की ठंडी छाया में अच्छे वस्त्र पहने हुए बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ अन्य बांस की बनी गाड़ियाँ और बैलगाड़ियों पे जाने के लिए बैठे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। एक छोटा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में जीवंतता और हंसी से भरा हुआ दौड़ रहा था। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined in the way। आओ बालक आओ, उसके माता पिता ने पुकारा जब रास्ते के किनारे लगी हुई दुकानों में रखे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित दौड़ रहा था। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से आया। उसके पैर उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आँखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही वह उस जगह पर आ गया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए थे, वह अपने मन की भावना को नहीं रोक सका। यद्यपि वह उनकी आंखों में इनकारी की ठंडी टकटकी को अच्छी तरह जानता था। आई वॉन्ट डैट टॉय, ही प्लेडेड, मुझे वह खिलौने चाहिए, उसने आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके पिता ने अपने परिचित कठोर ढंग से उसकी ओर नाराज होकर आंखें लाल करके देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? फिर भी उसकी माँ उस दिन के ओलसित वातावरण से द्रवित होकर कोमलता से व्यवहार कर रही थी और उसके पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वह फूलों से भरा सरसों का एक खेत था, सोने के जैसा पीला व समतल जमीन पर मीलों और मीलों तक फैला था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गाडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपनी चमकीली बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था और फूलों से मिठास खोजने जाते, अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देता था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बालक ने टकटकी लगाकर देखकर हवा में उनका पीछा तब तक किया जब तक कि उनमें से एक आराम करने के लिए एक फूल पर ना बैठ गई। But it would go faltering, flapping up into the air when he had almost catch it in his hands. वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहता था जब उसने लगभग उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया था। वह पंख फड़फड़ाते हुए हवा में चली जाती थी।
देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। तब उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पुकारती है, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। ही रैन टू वर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बींग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ डेट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ता और कुछ देर तक उनके साथ पैदल चलता। छोटे कीड़े मकोड़े जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थानों से निकलकर बाहर आ गए थे, उनसे आकर्षित होकर वह जल्दी ही पीछे रह गया था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। आओ बच्चे आओ, एक कूंज के पेड़ की छाया में जहाँ एक कुएं के किनारे पर बैठे थे, वहाँ से उसके माता पिता ने पुकारा। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज इंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। जैसे ही उसने कुंज में प्रवेश किया, छोटे फूलों की बौछार उस पर हुई और अपने माता पिता का ध्यान ना रखते हुए वह बरसते फूलों को अपने हाथों में इकट्ठे करने लगा। बट लो, ही हियर्ड द लूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव। लेकिन देखो, उसने फाख्ताओं का गुटरगु शब्द सुना और अपने माता पिता की तरफ चिल्लाता हुआ गया, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, उसके विस्मृत हाथों से फूलों की पंखड़ियां गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो एक बड़ के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच चला गया था, और उसे उठाते हुए संकरी और घुमावदार फुटपाथ पर चिल्लाने लगा, यह मार्ग सरसों के खेतों में से होता हुआ मेले तक जाता था।